Jungle. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल MS Tech Studio। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वेंचुरी गैस किट और सिक्वेंशियल गैस किट के अंदर क्या क्या अंतर रहते हैं। तो उसी कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है और उन्हीं भाई लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि दोनों में से कौन सी बेस्ट है, यानी सिक्वेंशियल गैस किट या वेंचुरी गैस किट। तो दोस्तों, सिक्वेंशियल गैस किट आपके लिए बेस्ट रहेगी। रीजन, सिक्वेंशियल गैस किट आपको प्रॉपर तरीके से इंजन में गैस भेजती है, जिससे आपको झटकों का महसूस नहीं होगा। आपकी धुएं के अंदर, गाड़ी का जो धुआं निकलता है उसके अंदर स्मेल का महसूस नहीं होगा और आपका एवरेज भी बरकरार रहेगा, यानी सही तरीके से देगी। लेकिन वेंचुरी गैस किट के अंदर आपको गाड़ी में झटकों का महसूस होगा और आपके धुएं के अंदर स्मेल आएगी। तो ये सबसे ज्यादा थोड़ा डिफरेंस है, यानी दोनों में अंतर है। और आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो वेंचुरी की अपेक्षा सिक्वेंशियल में सिक्योर रहेगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो देख के अंदाजा लग गया कि वेंचुरी गैस किट कुछ दिखने में ऐसी होती है। रिड्यूसर, वेपोराइजर, इंजेक्टर और कंट्रोलर, ये तीन पार्ट सिक्वेंशियल गैस किट के अंदर एक्स्ट्रा लगे होते हैं। ये मैंने बता दिया कि वेंचुरी को और सिक्वेंशियल गैस किट को किस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं, यानी कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सी गैस किट है ये, वेंचुरी या सिक्वेंशियल। अब आती है कि वेंचुरी गैस किट में अपन को क्या नुकसान है, सिक्वेंशियल गैस किट लोग बाग क्यों लगवाते हैं। तो दोस्तों, सिक्वेंशियल गैस किट फिलहाल में बाद में आई है, पहले वेंचुरी गैस किट चलती थी। तो वेंचुरी गैस किट के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो आपकी टंकी है जिसमें आपकी गैस भरी हुई है, वहां से पाइप के थ्रू आपकी गैस आती है और रिड्यूसर के अंदर आती है। रिड्यूसर के अंदर यानी आपके वेपोराइजर के अंदर आ गई। अब वेपोराइजर से आपके इंजन में जाती है और वेपोराइजर का जो कनेक्टिंग होता है वो जहां पे आपका एयर लेता है इंजन, उस जगह पे आपका कनेक्टिंग रहेगा। तो यानी आपकी जैसे ही इंजन एयर अंदर खींचेगा, इंजन अंदर की ओर, उसी टाइम पे वेपोराइजर से गैस जाएगी। तो एयर और गैस दोनों का मिक्स होके इंजन में जाएगी और आपका इंजन वर्क करेगा। लेकिन यहां पे कमी ये होती है दोस्तों, जैसे ही इंजन गैस खींचता है तो आपके इंजन के लिए कोई कंट्रोलर नहीं है, यानी गैस कितनी मात्रा में भेजनी है वो उसको पता नहीं है। तो इस कारण आपकी इंजन के अंदर गैस बहुत ज्यादा चली जाती है कभी कभार, और कभी कभार कम जाती है। तो कम जाती है तो और ज्यादा जाती है, उससे आपके इंजन पे इफेक्ट तो पड़ेगा पड़ेगा, लेकिन आपकी जो कार है वो भी झटके देगी। और यदि आपकी गैस ज्यादा जा रही है इंजन में, तो जितनी इंजन को जरूरत है उसको तो वो यूज ले लेगी, लेकिन जो जरूरत नहीं है उस गैस को वो धुएं के साथ में बाहर निकाल देगी। तो आपकी वेंचुरी गैस किट जिस कार में लगी होगी, उस कार के धुएं में हमेशा आपने देखा होगा स्मेल आती है। तो ये अपना वेंचुरी गैस किट लगवाने से आपको नुकसान रहेगा, यानी आपका एक तो इंजन झटका देगा और एक आपके धुएं में स्मेल आएगी, और तीसरी बात है कि आपके इंजन में इफेक्ट ज्यादा होगा। रीजन कि उसमें गैस का कंट्रोलर नहीं होता है। अब बात आती है सिक्वेंशियल गैस किट की। तो सिक्वेंशियल गैस किट जो वर्क करती है वो टैंक से पाइप के द्वारा रिड्यूसर के अंदर, यानी आपके वेपोराइजर के अंदर आएगी। वेपोराइजर वहां से भेजेगा मैप सेंसर के होते हुए, फिल्टर से होते हुए इंजेक्टर, यानी आपकी गैस इंजेक्टर तक आएगी। इंजेक्टर से क्या होता है कि इंजेक्टर में आपके चार पार्ट रहते हैं, यानी जो नोजल रहता है वो आपके इंजन के अंदर
चार सिलेंडर है या तीन सिलेंडर है, उस हिसाब से उसमें नोजल लगाए जाते हैं। नोजल के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाए हुए हैं कि किस तरीके से गाड़ी के इंजन में नोजल लगाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। मैं आई बटन के अंदर मेरे जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो नोजल में क्या होता है कि जैसे चार सिलेंडर इंजन है तो इंजेक्टर के अंदर चार नोजल लग जाते हैं। चार नोजल इस तरीके से, चार नोजल लगे हुए हैं कि जैसे ये मेरी चार उंगलियां, ये इंजेक्टर है मेरी, ये मेरा हाथ हो गया इंजेक्टर, तो इसमें चार नोजल लगे हुए हैं ये। तो इन नोजल से क्या होता है कि इंजन से यहां से एक पाइप जाता है एक सिलेंडर में, दूसरे नोजल से पाइप जाता है दूसरे सिलेंडर में, तीसरे नोजल से पाइप जाता है तीसरे सिलेंडर में, और चौथे नोजल से पाइप जाता है चौथे सिलेंडर में। यानी इस तरीके से वो नोजल के द्वारा और पाइप के द्वारा सिलेंडर में गैस जाती है। तो वहां से वो इंजेक्टर क्या करता है, चारों सिलेंडर हैं जो इंजन के, उनमें बराबर गैस कंट्रोल करके भेजता है। यानी उसको पता रहता है कि मुझे इस इंजन के अंदर कितनी गैस भेजनी है। तो जिससे क्या होता है कि आपके जैसे गैस गई, इंजन स्टार्ट हुआ और आपकी गाड़ी बढ़िया चल रही है, यानी आपके एक तो गाड़ी झटके नहीं देगी और एक आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी रहेगी बेंचुरी के मुकाबले, और एक आपकी गाड़ी के अंदर धुएं के अंदर स्मेल नहीं आएगी, जिससे आपकी गाड़ी का एवरेज भी सही रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया कि बेंचुरी और सिक्वेंशियल के अंदर क्या डिफरेंस है। मैंने बेंचुरी वाला वीडियो भी बताया और यहाँ पे मैं ये वीडियो भी बता देता हूँ कि सिक्वेंशियल में कौन कौन से पार्ट लगे रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, एक तो ये पार्ट रिड्यूसर लगा हुआ है और यहाँ पे ये मैप सेंसर, गैस फिल्टर, ये इंजेक्टर है जो रेड कलर का जो दिख रहा है, ब्लैक और रेड कलर का, इसी में से नोजल के थ्रू, नोजल से कनेक्ट किया जाता है और पाइप से कनेक्ट किया जाता है, ये देख लो दोस्तों, इससे थ्रू इंजन के अंदर गैस जाती है। और ये हो गया आपका कंट्रोलर, जो सारा कंप्यूटराइज, जो एक यानी एक मेमोरी का काम करता है ये, कि इंजन को कितनी गैस भेजनी है, सारा कंट्रोल यही करता है। तो ये हो गया आपका कंट्रोलर। तो दोस्तों इससे आपको पता चल गया इस वीडियो से कि सिक्वेंशियल गैसकेट के अंदर क्या क्या पार्ट रहते हैं। तो दोस्तों अब मैंने सिक्वेंशियल गैसकेट और बेंचुरी गैसकेट में अंतर किस तरीके से पहचानोगे वो बता दिया, और मैंने उसका वर्क भी बता दिया कि सिक्वेंशियल गैसकेट में किस तरीके से वर्क करता है और बेंचुरी में किस तरीके से वर्क करता है। जैसे आपको कोई और भी डाउट हो, आपके कमेंट में कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से जरूर पूछें, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ क्या चीज मेरे से रह गई है। तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, उसमें जो जो चीज मेरे से रह गई वो मैं उस वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और बढ़िया गैसकेट कौन सी है, तो दोस्तों बढ़िया गैसकेट तो आपकी सिक्वेंशियल गैसकेट है। बेंचुरी का जमाना गया, पहले लगती थी, अब आप हमेशा कोई सी भी गाड़ी हो सिक्वेंशियल गैसकेट ही लगवाएं। और मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर ये भी बता देता हूँ कि प्राइस, तो दोस्तों सिक्वेंशियल गैसकेट की प्राइस आपकी 17-18 हजार से स्टार्ट हो जाती है। अब कंपनी कोई भी हो सकती है, क्योंकि हर सिटी में कंपनी का अलग अलग मॉडल चलता है, लोकल भी चलती है, बाहर वाली भी चलती है, जो बाहर की ब्रांड है वो अलग अलग चलती है, लेकिन यहाँ से 18 हजार से स्टार्ट होती है और LPG गैसकेट 40-45 हजार तक की मिल जाती है। वो आपके बजट के ऊपर है, आप कितने की लगवाना चाहते हो। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार LPG गैसकेट कौन सी कंपनी की लगवाए, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब दोस्तों जो चीज मुझे बतानी थी मैंने आपको सही तरीके से बताने की कोशिश की है, और ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं आप तक पहुंच जाएं। तो आप दोस्तों अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, नमस्कार और जय हिंद।